आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। आज सुबह सुबह झांसी रेल मंडल के सोनागिर रेलवे स्टेशन के पास ग्वालियर से झांसी की ओर जारी एक मालगाड़ी के बॉक्स की लिंक टूटने से मालगाड़ी दो हिस्से में बट गई, जिसकी सूचना रेलवे स्टेशन मास्टर को दी गई। रेलवे प्रशासन ने तत्काल मालगाड़ी की कंपलिंग को जुड़वाकर मालगाड़ी को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया, तब जाकर रेल मार्ग सुचारू रूप से चालू हो गया। झांसी जिले के थाना पुंछ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरोदा में त्रयोदशी पर खाना खाने से हुए फूड पॉइजन से दर्जनों ग्रामीण हुए बीमार, जिसमें कुछ ग्रामीणों की हालत गंभीर होने पर झांसी रेफर किया गया तथा कुछ ग्रामीण को ग्वालियर रेफर किया गया है। झांसी जिले में शहद बेचने के नाम पर घरों की रेकी का चोरी की घटना को अंजाम देने वाली दो शातिर महिला 5 लाख के जेवर सहित गिरफ्तार, झांसी जिले के थाना प्रेमनगर पुलिस ने किया इसका खुलासा। ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के खिरकापुरा में पुलिया के ऊपर से सब्जी से लदा आपे अचानक ओवरलोड होने की वजह से आपे का आगे का हिस्सा अचानक उठकर ऊपर चला गया और टैक्सी पलट गई, जिसे उठाने के लिए मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए और बड़ी मशक्कत करने के बाद टैक्सी को लोगों ने टैक्सी के अगले हिस्से पर चढ़कर सीधा खड़ा किया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि यहाँ आए दिन रोजाना ऐसे हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा जिले में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तालबेट पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित 5 वरपटियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। ललितपुर शहर के कंपनी बाग में आज बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें ललितपुर के खाद्य सुरक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख टीटू कपूर का कहना है कि दिवाली तथा अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों के मद्देनजर बाजार में मावा पनीर मिठाइयां मसाले की खपत अचानक बढ़ जाने के कारण नकली खाद्य सामग्री का जोर बढ़ गया है, जिस कारण लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की टीम द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी के दिशा निर्देशन में पुलिस बल सहित छापेमारी की गई, जिसमें सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब और हजारों लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया तथा मौके से कई महिलाओं एवं पुरुषों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार भी किया गया। पहला मामला ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के मऊ माफी का है, जहां पुलिस और आबकारी विभाग की टीम द्वारा अवैध शराब का गढ़ के नाम से जाने वाले ग्राम मऊ माफी में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने 1140 लीटर अवैध कच्ची शराब की बरामद और लगभग 10,000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। वहीं जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना तालबेट पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा 350 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित दो अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर मौके पर 1000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। ललितपुर में जीजा के यहाँ रह रहा साला अचानक एक अनजान लड़के के साथ लापता, ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के रामनगर का मामला। लापता युवक का नाम रवि कुशवाहा, उम्र 22 वर्ष, पुत्र परसोत्तम कुशवाहा। जिस किसी को इस युवक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी हो तो तुरंत दिए गए नंबर पर संपर्क करके बता सकते हैं। मोबाइल नंबर 9795923545। बताने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। ललितपुर जिले के तालबेट अंतर्गत सिद्ध क्षेत्र पावागिरी सहित कस्बे के दोनों जैन मंदिरों में राष्ट्र संत आचार्य प्रवर विद्यासागर जी महाराज का 77वां अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में नित्यमय अभिषेक शांति धारा पूजन के उपरांत आचार्य विद्यासागर महाराज की भक्ति में पूजन का आयोजन किया एवं आचार्य श्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए वीर प्रभु से मंगल कामना की। ललितपुर जिले के ग्राम पंचायत धनगौल अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खैरा डांग में मिनी बॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या दायिनी माँ सरस्वती के चित्र पर मल्यार्पण एवं पूजन ग्राम प्रधान खैरा डांग अजीत कुमार दिलीप राजपूत अमित कुमार चतुर्वेदी ARP के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर दौड़ तथा इसके अलावा भी कई खेलों के आयोजन सम्पन्न हुए।